गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम टॉपिक्स कर चुके हैं ग्रामर के 10th क्लास के, पैसिव कंस्ट्रक्शन, रिपोर्टेड स्पीच, और अभी हम लोग चल रहे हैं मॉडल्स को लेकर। मॉडल्स, कल के लेसन में हम लोगों ने मॉडल्स देखे। मॉडल्स, व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या है, ऑरिजिन किस वर्ड से हुआ इसका, और हमने मॉडल पढ़े, कैन पढ़ा, कैन, मे एंड कुड, ये मॉडल भी हम लोगों ने पढ़े। मॉडल मतलब मूड्स, उसके मूड्स क्या है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस का मूड क्या है, और उस मूड को, सेंटेंस का मूड को लेकर हम लोगों को इस मूड के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल होता है, हमें वो ब्लैंक में फिलअप करना होता है। तो हम इन मॉडल्स के मूड्स देख चुके थे, कैन, कुड, कैन के जैसे मूड्स थे, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ इन प्रेजेंट टेंस, एंड दीज सेम मूड्स अप्लाइड फॉर कुड मॉडल। और यही जो मॉडल के, कैन के जो मूड हैं वो अप्लाइड, दीज मॉडल्स आर अप्लाइड फॉर कुड मॉडल, कुड मॉडल के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इन पास्ट टेंस में। फिर हमने देखा मे मॉडल, परमिशन, परमिशन, ब्लेस, विश के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे मॉडल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज माइट। माइट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ या पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे की सेकेंड फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म जो है, वो क्या है, माइट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि परमिशन, अब जहाँ तक परमिशन की बात आती है, हम थ्योरिकल बेस अगर देखते हैं, थ्योरी देखते हैं, अगर हम फैक्ट देखते हैं, तो परमिशन जो है हम ये कह सकते हैं कि 99% परमिशन ली जाती है इन प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जहाँ पर्पस की बात होती है वो पास्ट हो सकता है, पर्पस की बात हो सकती है वो पास्ट हो सकता है, और जहाँ हमने पॉसिबिलिटी की बात की है, संभावना की बात की है, वो संभावना माइट में लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है, यानी कि कम संभावना के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज़ करते हैं, माइट मॉडल का यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा रिक्वेस्ट, कल मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर्मल पढ़ी हमने, इनफॉर्मल पढ़ी, और एक बार बार शब्द यूज़ किया गया था, दैट इज़ हेजिस्टेशन, जो कि एक हेजिस्टेशन शब्द था, हिचकिचाहट शब्द था, और उस हिचकिचाहट शब्द के लिए हम लोग किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, माइट मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं मूड्स, इस मॉडल के मूड्स। फर्स्ट मूड इज लेस, या फिर कह सकते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, लेस और रिमोट पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, इसका मतलब होता है कम संभावना। लेस एंड रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना। पर्पस बट इन पास्ट, लेकिन वो पर्पस जो हमारा पास्ट का पर्पस हो, यानी हमारा भूतकालीन पर्पस, भूतकालीन उद्देश्य हो उसके लिए, या इसीलिए हम लोग हिंदी में अर्थ इसका लिख सकते हैं भूतकालीन उद्देश्य। अब हम लोग यूज करते हैं एक मूड, यहाँ पर देखते हैं फॉर रिक्वेस्ट विद हेजिस्टेशन। किसके साथ रिक्वेस्ट करना, हेजिस्टेशन के साथ रिक्वेस्ट करना, मतलब हिचकिचाहट के साथ रिक्वेस्ट करना, किसके साथ रिक्वेस्ट करना, हिचकिचाहट के साथ रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। अब ये है, दीज आर मूड्स किसके, माइट के, दीज आर द मूड्स ऑफ माइट। अब हम एग्जांपल लेकर इनको समझते हैं। फर्स्ट
पास्ट जो है हम एग्जांपल लेते हैं लेस पॉसिबिलिटी का। हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, बड़ा ही पैट सेंटेंस है, देयर इज क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल है, इट मे बी रेन टूडे, कि बारिश होने की संभावना है। मतलब मे का अगर हम लोग यूज करते हैं फॉर पॉसिबिलिटी तो नॉट 100% पॉसिबिलिटी, मतलब कि 100 नॉट फॉर 100% पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं 50-70% पॉसिबिलिटी जो है वो यूज की जाती है मे के लिए। लेकिन लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कम संभावना, जिसकी कोई संभावना ही नहीं हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट मॉडल का प्रयोग करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल वी सी, एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे रेहान इज नॉट स्टडिंग, रेहान इज नॉट स्टडिंग, ही ब्लैंक पास, रेहान नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मुश्किल से पास हो, तो मतलब उसके पास होने की, रेहान इज नॉट स्टडिंग, रेहान पढ़ नहीं रहा है, तो वह, इसका मतलब क्या है, ही माइट पास, वह मुश्किल से ही क्या हो, पास हो, तो यहाँ पर संभावना क्या है, कम है। अगर उसी पैट एग्जांपल को हम लोग लेते हैं कि देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है, इट मीन्स इट माइट रेन, यानी कि बारिश होने की संभावना क्या है, वो लेस संभावना है, यानी कि कम संभावना है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बिट्टू इज वेरी फैट, ही ब्लैंक क्लाइंब द ट्री, बिट्टू जो है बहुत मोटा है, तो वो पेड़ पर चढ़ने की संभावना उसकी क्या है, कम है। अगर हम लोग यहाँ पर माइट मॉडल फैट है, इसीलिए उसकी संभावना क्या है पेड़ पर चढ़ने की, कम है, माइट मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है रिमोट पॉसिबिलिटी, ये है लिए कुछ एग्जांपल, दो एग्जांपल। अब है पर्पस, बट पर्पस इन पास्ट, पास्ट में कैसे पर्पस, एग्जांपल जैसे कि एक सेंटेंस कल अपने किया था, ही वर्क्स हार्ड, लेकिन यहाँ हम लोग सेकंड वर्ब का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, ही वर्क्ड हार्ड सो दैट, ये आपको ध्यान रखना है, सो दैट कल बताया गया था, ताकि ही ब्लैंक पास, ताकि, अब यहाँ पर ताकि मतलब उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो सके, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो सके। तो यहाँ पर भूतकालीन उद्देश्य है इसका, कुछ नहीं देखना हम लोगों को यहाँ पर, सिर्फ आप समझिए कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सो दैट है ताकि, सेकंड फॉर्म अगर आपको दे रखी है सो दैट है, माइट मॉडल भर देंगे, यदि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है सो दैट शोज पर्पस, किसको शो करता है, पर्पस को शो करता है, तो पर्पस को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में मे मॉडल आ जाएगा और पास्ट टेंस में कौन सा मॉडल आ जाएगा, माइट मॉडल आ जाएगा। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। अब नॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की, जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, औपचारिकता नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कुड मॉडल का। जैसे एक बहुत ही अच्छा और पैट एग्जांपल बताया था कि कल कुड यू पास साल्ट, क्या आप नमक पास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कर दे ऐसे ब्लैंक, यू गिव मी योर स्कूटर, क्या तुम मुझे तुम्हारा स्कूटर दे सकते हो, तो यहाँ पर मॉडल कौन सा आ जाएगा, माइट मॉडल, तो यहाँ पर माइट मॉडल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अपना स्कूटर दे ना दे, एक हेजिटेशन होती है मन में, और हेजिटेशन के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है,
माइल्स मॉडल का प्रयोग किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? माइल्स मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तो 10th क्लास के सिलेबस के लिए हम लोग देखते हैं, आप लोगों को केवल ध्यान रखना है लेस रिमोट पॉसिबिलिटी पर्पस बट पर्पस इन पास्ट एंड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट विद हेजिटेशंस हेजिटेशन आर द मूड्स ऑफ माइट मॉडल। ये सारे मूड किसके हैं? माइट मॉडल के मूड्स हैं। अब ये है माइट मॉडल। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल हम लेते हैं शुड। नेक्स्ट मॉडल लेते हैं हम लोग शुड। शुड और ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मे माइट कैन कुड शुड मस्ट, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल मॉडल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं। नेक्स्ट वी सी द मॉडल शुड। कौन सा मॉडल देखते हैं? शुड मॉडल। शुड मॉडल का अगर हम लोग हिंदी में अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है चाहिए। चाहिए मतलब मुझे चाहिए नहीं, करना चाहिए। मतलब कि ए दिस मॉडल शो ड्यूटी। ये मॉडल जो है किसको शो करता है? ड्यूटी को शो करता है। दिस मॉडल शोज ड्यूटी। ये ड्यूटी को शो करता है, करना चाहिए, नॉट चाहिए, वांट नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मतलब करना चाहिए। तो ये शुड मॉडल जो है किसको देखता देता है? ड्यूटी। बट अगर हम ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? मॉरल ड्यूटी। कैसी होनी चाहिए? मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी को शो करने वाले सेंटेंस जो है उसके लिए हम किस मॉडल का यूज करेंगे? शुड मॉडल का यूज करेंगे। मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी इन हिंदी इट मीन्स नैतिक कर्तव्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नैतिक कर्तव्य। और यदि दूसरे हम लोग दूसरे मूड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आ जाता है ऑब्लिगेशन। अगर हम लोग यहाँ पर शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं, मॉरल ड्यूटी कहें या फिर ऑब्लिगेशन कहें, एक ही बात है। कंपल्सन नहीं आता, ऑब्लिगेशन आता है यहाँ पर। मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य। अब बात नेक्स्ट मूड की बात करते हैं, दिस इट इज सजेशन। इसके लिए कौन सा हो जाएगा? सजेशन। सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव। सजेशन का मतलब सुझाव। दिस इट इज सेकंड मूड ऑफ शुड मॉडल। एंड अदर इज, अगर बात करें सजेशन के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, और एक है कि लेस्ट एंड शुड। लेस्ट और शुड का एक पेयर होता है। अगर लेस्ट है, ये भी क्या है कि एक संभावना को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी को हमारे दिमाग में हम लोगों को यहाँ पर नहीं रखना है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि लेस्ट अगर वर्ड आता है इट शो ओनली पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर लेस्ट वर्ड जो आता है उसके साथ आप लोगों को अगर मॉडल यूज करना है तो आप लोग बेझिझक वहाँ पर मॉडल यूज करेंगे शुड। फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी एग्जाम्पल फॉर मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी के लिए जैसे यू ब्लैंक हेल्प पुअर, आपको तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, इट इज अ मॉरल ड्यूटी। ये मॉरल ड्यूटी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुड। क्या आ जाएगा यहाँ पर? शुड मॉडल का यूज किया जाएगा। यू शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑट टू को देखते हैं और एक और मॉडल को देखते हैं जैसे मस्ट, ये एक प्रैक्टिकली बात नहीं है, केवल थ्योरिकल बात है, किस थ्योरिकल फैक्ट कि शुड में पनिशमेंट का भाव नहीं होता, ऑट टू में पनिशमेंट होता है, बट वर्बल पनिशमेंट मतलब कि शाब्दिक पनिशमेंट, और मस्ट जो है वो कंपल्सन होती है, और यदि हम लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं तो मतलब हम लोगों को पनिशमेंट भुगतना ही पड़ता है। मतलब ये थ्योरिकल चीज़ है इस इन तीनों मॉडल्स को समझने की, लेकिन मॉरल ड्यूटी के लिए आपको प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? शुड का। पनिशमेंट की बात आती है या फिर थ्योरिकल चीज़ आती है, अगर हम इन तीनों मॉडल्स को समझते हैं तो ऐसा मतलब पनिशमेंट के रूप में तो हम लोगों को पढ़ने के लिए यही मिलता है कि शुड नॉट, मतलब जो शुड मॉडल है वो शुड मॉडल जो है डू नॉट अलाउड पनिशमेंट, वो पनिशमेंट अलाउड नहीं करता, और शुड नॉट अलाउ पनिशमेंट। और अगर ऑट टू की बात करें, ऑट टू का भी प्रयोग हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, मॉरल ड्यूटी के लिए करते हैं,
लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है? सिर्फ ये शाब्दिक डिफरेंट है या फिर कह सकते हैं कि एक थ्योरिकल डिफरेंटेशन है कि ऑट टू जो है वो अलाउड करता है पनिशमेंट को, बट ओनली वर्बल पनिशमेंट, केवल शाब्दिक, और मस्ट मॉडल जो है वो कंपल्सन है। यदि हम उसको, वो उस ड्यूटी को दर्शाता है जो कंपल्सरी है, यदि हम उसको नहीं करते हैं तो वो हम लोगों के लिए पनिशमेंट को लेकर आता है, मतलब पनिशमेंट की मतलब पनिशमेंट इज डेफिनेट, मतलब पनिशमेंट की निश्चितता तय होती है। तो मॉरल ड्यूटी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शुड मॉडल का यूज करते हैं। अब है सजेशन। सजेशन के लिए जैसे यू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें तुम्हारी दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए, मेडिसिन रेगुलरली। ये महज एक सलाह है, सुझाव है, इसीलिए यहाँ पर किस मॉडल का यूज किया जाएगा, या फिर जैसे एक यू ब्लैंक यू शुड टेक एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली डेली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये महज एक सलाह है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। अब तीसरी बात जहाँ आपको आती है वो इट इज अ वर्ड लेस्ट। कौन सा शब्द है ये लेस्ट? लेस्ट एंड शुड इज अ पेयर। ये क्या है? एक पेयर है, एक जोड़ा है। लेस्ट और शुड का क्या होता है? जोड़ा होता है। अब ये भी है कि ये संभावना को दर्शाता है कि यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। तो मतलब क्या है? अगर मेहनत नहीं करता तो फेल होने की संभावना को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये भी संभावना को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो संभावना की बात नहीं आती जहाँ पर मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो लेस्ट वर्ड है, उस लेस्ट वर्ड के साथ आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे? शुड मॉडल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो, लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, यू फेल, तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुड। तो मतलब जहाँ पर ये लेस्ट वर्ड आता है वहाँ पर आपको किस मॉडल का यूज करना है? शुड मॉडल का यूज करना है। तो ये इसके मूड्स थे, शुड मॉडल के मॉरल ड्यूटी, सजेशन, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या सजेस्ट लेस्ट वर्ड के साथ, यहाँ पर लेस्ट वर्ड है, और लेस्ट वर्ड अगर कहें तो वो पॉसिबिलिटी को शो करता है। आपको ध्यान रखना है कि लेस्ट वर्ड के साथ कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा? शुड मॉडल का यूज किया जाएगा। लेस्ट और शुड इज अ पेयर, ये एक क्या है? जोड़ा होता है। अब हम चलते हैं आगे एक नेक्स्ट मॉडल की ओर, और वो मॉडल है मस्ट, इज अ मस्ट मॉडल। मूड की बात करते हैं तो नेसेसरी इज मूड, या नेसेसिटी इज मूड ऑफ, नेसेसरी की जगह हम लोग कह दें कि नेसेसिटी, आवश्यकता। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। ये मूड है मस्ट का, एंड कॉमा देखते हैं आगे, मस्ट नेसेसिटी इसका मूड है। और सेकंड अगर बात करें ड्यूटी के लिए तो कंपल्सन मतलब क्या होता है? अनिवार्यता। कंपल्सन मतलब अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब कंपल्सरी है, यदि उसको नहीं करेंगे तो हमारे, तो हमें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और बात करते हैं पनिशमेंट कंक्लूजन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। इसका मतलब क्या होता है? निष्कर्ष मतलब हम एक चीज को देखकर, एक सेंटेंस को देखकर, एक बात को देखकर दूसरी बात का निष्कर्ष निकालते हैं। तो उसके लिए को किस मॉडल का यूज किया जाता है? माइट मॉडल, मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है, कंक्लूजन। और अब इसका नेगेटिव फॉर्म आता है मस्ट नॉट।
मस्ट नॉट आता है तो मस्ट नॉट यूज फॉर प्रोहिबिशन, किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोहिबिशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब मनाही के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? मनाही के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मस्ट मॉडल के जो मूड्स हैं इज नेसेसिटी, कंपल्सन, कंक्लूजन, और मतलब की आवश्यकता, कंपल्सन मतलब अनिवार्यता, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, एक बात को देखकर हम दूसरी बात का निष्कर्ष निकालते हैं वो कंक्लूजन कहलाता है। एंड मस्ट नॉट, मस्ट नॉट यानी कि मस्ट का नेगेटिव फॉर्म जो है, मतलब हमें करना चाहिए, ड्यूटी है, कंपल्सन है, नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। और मस्ट नॉट मतलब प्रोहिबिशन, मतलब मनाही, हमें नहीं करना चाहिए और हम लोग करते हैं तो भी हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो मस्ट नॉट का यूज किसके लिए किया जाता है? प्रोहिबिशन के लिए किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सेंटेंस में चार पांच सेंटेंस देती हूँ, आप उसमें मॉडल भरेंगे और एज एक्सरसाइज के रूप में उसको करेंगे। इसको आपको कंपलसरी करना है, जरूरी रूप से करना है। सेंटेंस उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जैसे ही स्पीक, he speak French, मॉडल बनेगा। ये एक्सरसाइज है, यहां पर इज अ एक्सरसाइज। नेक्स्ट, माय ग्रैंड मदर, my grandfather play football when he was young, जब वो क्या थे, जवान थे तब फुटबॉल खेल सकते थे। next, मिस्टर शर्मा इज रिच पर्सन, ही बाय ए बंगलो। एक एग्जांपल और उतार लीजिएगा, फोर्थ मॉडल भरने आपको इसमें। गो टू होम, योवे और एल्डर्स, रोहित इज टॉल, ही ब्लैंक, रोहित इज टॉल, ही ब्लैंक विन द रेस। ये सेंटेंस है आपके किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट, ही स्पीक फ्रेंच, माय ग्रैंडफादर ब्लैंक प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, मिस्टर शर्मा इज रिच पर्सन, ही ब्लैंक बाय अ कार या बैंगलोर।
नेक्स्ट ब्लैंक आई गो टू होम देन वी ब्लैंक ओबे योर ऑर्डर्स एंड द लास्ट सेंटेंस इज रोहित इज टॉल ही ब्लैंक विन द रेस। तो आपको ये सेंटेंस जो है अभी तक जो मॉडल पढ़ाए हैं उनको समझकर देखकर इन ब्लैंक्स को फुल करना है, फिलअप करना है, और आपको ये ध्यान से पढ़कर फिर फिलअप करना है और उसको पढ़िएगा। केवल मूड्स को समझना है और मूड्स को समझेंगे और इसका इसका अर्थ समझेंगे सेंटेंस का, तो अपने आप जब अर्थ समझेंगे, पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे तो अपने आप मूड आपको पता चल जाएगा। मूड आपके सामने है और आप लोग उस मूड्स को देखकर किस मूड के लिए किन मॉडल का यूज़ किया जाता है और उसके बाद आप इसको फिलअप करेंगे।